जी अपने पापा की खबर को खोजती रह गई और हाथ पकड़ कर गेट आउट अंदर से बाहर कर दिया गया। फिर इससे ज्यादा बेशर्म वाली बात होती है, बिन बुलाए मेहमान की तरह जाओगे तो इसी तरह से धक्के मार खाओगे। जो देश के दलाल मीडिया के लोग हैं, जैसे जी न्यूज का मालिक है सुभाष चंद्रा, भारतीय बैंक में डकैती डाला सबको पता है, यस बैंक डूब गई और क्या बना राज्यसभा का सदस्य, खबर किसका दिखाएगा? अगर माँ का दूध पिया तिहारी सुधीर चौधरी तो डीएनए क्यों नहीं करता? 59 ग्राम गांजे पर नागिन डांस डांस रहा था, तथैया कर रहा था, ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो, आपका ट्रक दो ट्रक दो, लाया है अडानी ट्रक, क्यों नहीं ले रहा भैया बताओ हमें? अगर अडानी के जगह हिंदुस्तान के 135 करोड़ आबादी में से कोई आम आदमी होता तो क्या भारतीय मीडिया आज नागिन डांस नहीं कर रही होती, ऐसे ऐसे कर नहीं रही होती है? बताओ। अंजना जी अपने पापा की खबर को खोजती रह गई और हाथ पकड़ कर गेट आउट अंदर से बाहर कर दिया गया। फिर इससे ज्यादा बेशर्म वाली बात होती है, बिन बुलाए मेहमान की तरह जाओगे तो इसी तरह से धक्के मार खाओगे। फिर ढोल नगाड़ा बजा रहा, काहे के लिए आए हो, हमें तो भाजपा वालों ने बुलाया, क्या क्या झूठा प्रचार कराओ, हाउडी मोदी, देश के पैसा से आरबीआई का 1,76,000 करोड़ रुपया लेके अमेरिका में जाके किए, और जिस जुमला के शहंशाह बेताज बादशाह हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी फेकू प्रधानमंत्री गए कमला हैरिस के दुष्प्रचार करने गए थे, और किस मुंह से उसी आदमी के पास गए, शर्म नहीं आई? मतलब समझिए, भारतीय मूल के बेटी का विरोध कर रहे थे जब चुनाव में थी, जो हीरोइन बेचता है, जो हथियार बेचता है, हथियार का सप्लायर कौन था, तारिक प्रधान, भाइयों बहनों मित्रों, दिल्ली में बैठी सरकार निकम्मी है, ये हथियार कहाँ से आते हैं? तो नरेंद्र मोदी जी आप निकम्मे हो, पुलवामा में आरडीएक्स कहाँ से आया, जेलेटीन कहाँ से आया, छत्तीसगढ़ हमले में ट्रैक्टर कहाँ से आया, जो आपके पार्टी के टिकट पर तारिक श्रीनगर में चुनाव लड़ा हथियारों का सप्लायर, उसके पास हथियार कहाँ से आया, मुद्रा पोर्ट पर 30,000 टन ये हीरोइन कहाँ से आया, पमीला गोस्वामी के पास कोकीन कहाँ से आया, बता दीजिए। इसका मतलब प्रधानमंत्री जी निकम्मे हैं, हम मैं नहीं कह रहा, खुद प्रधानमंत्री ने कहा था जी, सुनिए सुनिए ना, प्रधानमंत्री ने कहा था, भाइयों बहनों मित्रों, क्या कारण है नेपाल का रुपया नहीं गिरता, पाकिस्तान का नहीं गिरता, जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री का चरित्र गिरता है, प्रधानमंत्री का चरित्र गिर गया है। 200-250 आदमी का डेलीगेशन प्रधानमंत्री लेके जाते हैं पिकनिक मनाने विदेश में, आप समझे, अपने मुंह में लाली या पहुना के मुंह में छाली, अरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जैसा होना चाहिए, इंदिरा गांधी जैसा होना चाहिए, अगर माँ से मिलने जाता है पोहा खाने तब भी कैमरा लेके जाता है, मोर को दाना खिलाता है तब भी करता है, तो इसका तो ये देखिए, इनका एक ही विजन है टेलीविजन, ये अपना काम बनता बाहर में जाए जनता, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, एक ही फार्मूला है, गधा जन्म छुरा रहे, पूरा देश जो फुल पैंट शर्ट पहन रहा था हाफ पैंट पर आ गया, और ये अपने पहनते हैं 10 लाख का सूट 5 लाख का, आरएसएस तो फुल पैंट पे आ गई ना, आरएसएस को तो शुरू से दलाली मिल रहा है ना, ये दलाल लोग हैं, ये मुखबिर लोग हैं, देश के गद्दार लोग हैं, राष्ट्रद्रोही लोग हैं, ये कल भी सावरकर गोरे अंग्रेजों से दलाली खाता था, आज भी बिलियन माइंड्स और स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, मैं तो खुली चुनौती सब दिन कहा कि सरकार जाँच करा ले, अगर उसमें 1% भी गलत आ जाए तो मेरे पर भी NSA UPI डाल दे, फांसी पर लटका दे, सावरकर का गोरे अंग्रेज का जीजा फूफा लगता था जो 60 रुपया महीना पेंशन देता था, बताइए ना, 80,000 स्वतंत्रता सेनानी सेलुलर जेल में बंद थे, क्या उसमें अकेला सावरकर को ही क्यों दिया गया? चूंकि सावरकर का जन्म हुआ 28 मई को, 26 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं और 28 मई को श्रद्धांजलि देते हैं, और जिन उस पर अमन चोपड़ा उस दिन चला रहा था कि 1857 का 1883 में जिस आदमी का जन्म लेगा 1857 में नायक रहेगा, तो जो देश का माफी वीर है, जो देश का गद्दार है, उसको वीर बताया जा रहा, ये उन्हीं के लोग हैं, तो सांप का बच्चा सांप ही होगा और गाय का बच्चा गाय ही होगा, हाथी का बच्चा हाथी ही होगा, ये जो मीडिया को लोग पहले भगवान मानते थे, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मान रहे, अब उसी मीडिया को लोग किलर मीडिया कहता है, आतंकवादी से 1,000 गुना अधिक कहता है, क्यों कहता है, इसीलिए कहा जाता है
कि ये लोग आतंकवादियों से भी गए गुजरे हैं, कुत्तों से भी गए गुजरे हैं। आवारा कुत्ता जिस तरीके से ढाबे के बाहर खड़ा होता है, ये कुछ चैनल के जो पत्रकार हैं आवारा कुत्ते की तरह ढाबे के बाहर खड़े होते हैं। भाजपा वालों ने कोई सगुफा छोड़ा और उसको सच साबित करने में लग गए। लोग जिहाद पर कानून बनता है, दामाद बनाएंगे मुसलमान को, हम जैसे हिंदू को ना दामाद बनाएंगे ना जीजा बनाएंगे। अरे हमारा शकल खराब होगा, देश में 100 करोड़ हिंदू है, 50 करोड़ तो बढ़िया दुल्हा मिले भाजपा नेताओं को, क्यों नहीं ढूंढता? नहीं मिलता हमको, हमको कहे हम ढूंढ के देते हैं। जरूरी है मुख्तार अब्बास नकवी को दामाद बनाओ? कहते हैं बीफ पर, गाय हत्या पर मॉब लिंचिंग करते, तो गाय का मीट बाहर के देशों में बिक रहा है, ये किसका मीट है भैया? आप अपने माँ बाप को काट के बेच रहे हो, कहाँ बेच रहे हो? गाय हमारी माता है, सांड तुम्हारा बाप है, अकल है नहीं, चले आए यहाँ पर देश में दंगा फसाद कराने? ये देश तोड़ने वाले लोग हैं, इनका आज तक देश से कोई भी लेना देना नहीं था। अगर देश से लेना देना होता तो देश के किसानों के बारे में सोचते ना। अमेरिका जाते, ब्रिटेन जाते, पूरा विश्व के दौरा कर रहे, मेरी माँ चौका बर्तन करती थी, बाप ताई बेटता था, बाप मरान दे रहे हैं, बेटा का नाम पावर हाउस है, घर देखिएगा। सबका साथ सबका विकास, यही विकास है कि महिला की साड़ी खोल ली जाए, यही विकास है कि दिल्ली में दंगे करा दीजिए, उमर खालिद को फंसा दीजिए, मुसलमान जाति के नाम पर हिंसा करवा दीजिए। अब बताइए ना, असम की घटना पर किलर मीडिया घुटने से मार रही थी, पुलिस वाले के संरक्षण में पार्लियामेंट थाने के बाहर जब देश का अति संवेदनशील क्षेत्र है, धर्म विशेष पर नारे लगाए जा रहे थे, सोचिए कि एक आम आदमी का क्या होगा। जब पूर्व आईजी के साथ ऐसा होता है, उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों जैसा सलूक होता है, संजीव भट्ट की स्थिति देखिए, आर के शर्मा की स्थिति देखिए, जज लोया की हत्याकांड देखिए, तो इसमें जाति या धर्म का एंगल कहाँ ढूंढने चले जाते हैं? बीजेपी ने कहा, अडानी ने कहा, ये राजा हरिश्चंद के भाई हैं, ये भगवान के भाई हैं, जो कह दिया वही हो जाएगा। प्रधानमंत्री को झूठा प्रचार करने की आदत है, आज से नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। और उत्तर प्रदेश की जनता ने बंगाल चुनाव के बाद देखा, जैसे हरियाणा में हाफ, झारखंड में साफ, महाराष्ट्र में सुपरा साफ, और दिल्ली में बाप रे बाप, बंगाल में इनका हुआ था मुंडन साफ, उत्तर प्रदेश में होगा इनका मुंडी साफ। चूँकि 2019 का जो चुनाव हुआ, 17 में 14 में जो जो छोटे छोटे चुनाव हुए लोकसभा के, राज्यसभा के, नगर निकाय के, लोगों ने देखा टूटी खाट फटा लंगोट, अमर गया भाजपा को देकर वोट, सोचा था बनियाइन के ऊपर नहीं शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी, तो इसलिए लोग सोच समझ के वोट करेंगे। देश को एक अंधकार में रखा जा रहा है, पूरी देश को माइंड सेट किया जा रहा है भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान में, जाति के नाम पर अगरों को पिछड़ों से दलितों से लड़ाया जा रहा है ताकि देश बेचने में सहूलियत हो। अगर कोई राष्ट्रीय संपत्ति देश की किसी जनता से थोड़ा सा नुकसान हो जाए, फट जाए, टूट जाए, तो उस पर जुर्माना होता है, तो क्या देश बेचने वाले पर जुर्माना नहीं होना चाहिए? कहाँ है कानून की वो इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने वाले लोग? आप कैसे बेच सकते हैं देश की संपत्तियों को? और जब देश की संपत्ति घाटे का सौदा है तो कोई औद्योगिक घराना क्यों खरीदेगा? इसके पीछे लॉजिक है, जानबूझकर देश की संपत्तियों को घाटे में डाला जा रहा है। और उसमें आप देखिएगा, आरटीआई से खुलासा हुआ है, स्वतंत्र डायरेक्टर संदीप पात्रा जैसे लोगों को मनाया जाता है, 27-27 लाख रुपए का पैकेज दिया जाता है, और भी खर्चे हैं, तो जाहिर सी बात है संपत्ति डूबेगा, ये अपने व्यापारिक मित्र को बेचेंगे और वही व्यापारिक मित्र इनको पार्टी फंड में चंदा देगा। सबसे बड़ी बात, जवान के नाम पर वोट दिया जाएगा, विकास के नाम पर या फिर मंदिर के नाम पर? पूरे देश में जो भाजपा ने ठगी की है, आप लोग घूम फिर के मंदिर पर आ जाते, अक्का कहा कबीर साहब ने, पोथी पट पट जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर जो पढ़ ले वही पंडित होए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, बौद्ध मंदिर, कोई भी चीज, ये नहीं सिखाता है नफरत फैलाना, हिंसा करना। सभी लोग यही सिखाते हैं कि भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ। भारत भुखमरी जैसी महामारी से जूझ रहा है, आप सोच सकते हैं जिस उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी में से 18 करोड़ लोग राशन के लिए सुबह से शाम तक इंतजार कर सकते हैं, तो देश की समस्या कितनी विकराल हो। पर योगी जी का एक पोस्टर विज्ञापन के रूप में बाहर आया। आप योगी किसको कहते हैं? कहां तक पढ़े आप? योगी किसको कहते? जो संत है, 70 से अधिक धारा में मामला है, तलादेन को, दाऊद को, क्या शंकराचार्य कहोगे आप? बताओ ना हमको, एक गुंडा मवाली को आप लोग योगी 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 रट लगाए जा रहे,
आप समझो वो नाथ संप्रदाय से आते हैं, वो हिंदू नहीं है। अरे सुनिए ना, नहीं सर आप बोल रहे हो बाबा गोरखनाथ, हाँ योगी नहीं कह सकते, तो सरकार भी तो ये कह रही है कि इनको किसान नहीं कह सकते जो हिंसा करने पर अच्छा, जा रहे हैं। आप खालिस्तान कह दीजिए, भरवा कह दीजिए, ये आपका अधिकार है। योगी मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, योगी किसको कहते हैं? योगी किसको कहते हैं? एक जिस पर 70 धारा लगा हो योगी हो सकता है क्या? नहीं। किसान पर क्या को धारा लगा हुआ है बता दीजिए आप, क्या हमको किसान नहीं कहिएगा? देश हमारा ना है, 70 धाराओं में आप दूसरी बात आप समझिए, हमारे वोट से गीले चावल में गलती से शक्कर क्या गिर गई आप फिर समझ बैठे। देश की साबित कौन करेगा मैडम जी? साबित कौन करेगा? अपने कातिल अपने मुंसिफ हैं। आप मुख्यमंत्री होके आप रो रहे थे सदन में, हमको जाल से पाल लेगा, हम पर मामला दर्ज कर लिया, उस दिन क्यों नहीं माफ कर लिए बताओ? अभी अडानी का हीरोइन पकड़ाया तो आप वहाँ FIR ही नहीं करोगे? आप ही कातिल हो, आप ही मुंसिफ हो। जब पुलवामा में 300 किलो RDX आया आप ही चर्चा नहीं करोगे? तो कुछ पता है, खाली 59 ग्राम गांजा पर डांस करोगे नागिन है? क्या मतलब है? हम लोग आना नहीं खाते, हम लोग नहीं देख रहे। कौन खा रहा था? कौन था इसे? मोदी जी के आने से पहले खटारा स्कूटर पर चढ़ता था, शायद आपको नहीं पता। आप भाजपा IT सेल की तरह जो उसको प्रमोट कर रहे हैं, खटारा स्कूटर पर चढ़ता था और शेयर मार्केट में दलाली करता था। पौने दो आंख वाला जो लाल, जो अपना पौने दो से दो नहीं कर पाया, साइकिल पर चढ़ता था, मट्ठा बेचता था, जो सलवार पहन के भाग गया था रामलीला मैदान से फरार बाबा है, जिसका 50 टन लाल चंदन पकड़ाया, शहद में चीनी मिलाते पकड़ाया, लाखों बरस पुराना हिमालय की गोद से निकाला गया नमक। अरे बाबा रामदेव कुदाल लेके था बालकृष्ण टोकरी, नहीं खोद के लाता था नीमक सर जाता हुए पर, कहता था जींस से खुजली होती है, फटा ये जींस आपने 3000 ब्रांड खोल लिया। सर पहले एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं कि ये जनता की लड़ाई है, जनता तो टीवी इंटरव्यू में कह रही है कि हमें इससे बहुत परेशानी हो रही है, हम अपने दफ्तर नहीं जा पा रहे। आप ये बात आप किसको समझा रहे हैं? ऑडियंस किराए के होते हैं, गेस्ट किराए का होता है 5000 रुपया। हमको बिठा दीजिए आप वहाँ ऑडियंस में, चले चैनल वाला बिठा लेगा, छठी रात का दूध याद करा देंगे, 5 सवाल पूछेंगे बंद हो जाएगा चैनल। ये PMO तय करता है कि वहाँ जनता कौन है, आप अपने ही लोगों को बिठा देते हैं, कहते जनता है, ये गेस्ट है। 5000 में मौलाना को बिठा दीजिए, 5000 में पंडित को बिठा दीजिए, और उसी से अपने रानी मदारी के खेल की तरह खरीदने वाला भी आपका आदमी, बाबू 2 को 70 दे दीजिए, हमको बड़ा फायदा हुआ, तो वाफी का आदमी रहता है कि जनता का आदमी रहता है। आपके हिसाब से जनता को परेशानी नहीं हो रही है? जनता मस्त है एकदम, की कोई बात नहीं, भारत महंगाई से जनता को परेशानी नहीं हो रही है? आपने नहीं दिखाया बिहार के 17 जिलों में बाढ़ आई हुई, जनता को परेशानी आपने कभी दिखाया? अरे आपने दिखाया, सर हमने तो दिखाया। कहाँ दिखाया? सर गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया तो मतलब सोशल मीडिया चैनल ने दिखाया। सुन तो लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, बोल रही है, मैं बोल रहा हूँ सच, आप दिखाओगे? आप दिखाओगे? कुछ ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, देखिए विवाद का जर नहीं है। मेरे से सवाल पूछो, बचपन से आपने ही पढ़ा होगा, मैंने ही पढ़ा होगा, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं जय जवान जय किसान, ठीक है? अगर जय जवान है, शहीद पे कौन होता है? किसान शहीद होता है, उसे कितने करोड़ आप देते? 10 करोड़ देते। अभी नीरज चोपड़ा मेडल लेके आया, 10 करोड़ बांटे, हर सरकार ने किसी ना किसी ने उसे पैसे दिए, कि अगर जवान मरता है उसे क्या देते? 10 करोड़ देते। किसान है, किसान की वजह से हम लोग खाना खाते हैं, सुनो, किसान की वजह से हम लोग खाना खाते हैं, लेकिन किसान को क्या आपने सोने का हल दे दिया? सचिन को आप सोने का बैट दे रहे हैं, सोने की बॉल दे रहे हैं, आपने किसान को सोने का हल दिया, सोने का ट्रैक्टर तक नहीं दिया यार, जो कर क्या यही किया है? सरकारों ने भी तो यही किया, तो यही तो बात है। अगर मैं आम बंदा हूँ, मुझे सिर्फ वोट देना है, या इसको वोट दूं या उसको वोट दूं, ये भी साला चोर वो भी साला चोर, आम आदमी फिर वोट किसे दे? रही मीडिया, मीडिया को क्या कहिए, इसकी आज खबर उड़ानी है, चलो भाई तू नंबर 1, इसकी आज खबर उड़ानी है, भाई तू नंबर 1। अरे भाई अगर सच दिखाना